हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये बेटा आपका क्लास वन में जो है मुझे भी मैं था और सब पास हुआ अपना दसवीं। ये क्या है स्विंग झूला, ठीक है। आप तो जो है आपका क्लास वन का जो है विजिट कर रहा है, ठीक है। और इसमें हमने आपको सबसे पहले आपका जितने नंबर दिया था द स्विंग यानी झूला या का आर एल स्टीवेंसन, आर एल स्टीवेंसन के द्वारा यह राइट किया गया पोएम का, ठीक है। पोएम आप देखेंगे कि हाउ टू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग अप इन द एयर सो ब्लू ओ आई डोंट थिंक इट द प्लीज दे थिंक यू आर अ चाइल्ड कैन, ठीक है। यह आपका है कर हाउ टू लाइक टू गो अप इन द स्विंग। आप जो है कैसा लगता है आपको जो है झूले पर झूलना पर जाना कैसा लगता है, पसंद लगता है, कैसे पसंद लगता है? तो अप इन द एयर सो ब्लू मतलब हवा में जो है ऊपर, हवा में ऊपर की तरफ जाना आकाश, ठीक है। ओ आई डू थिंक इट प्लीजेंट, मैं सोचता हूँ, ओ मैं सोचता हूँ कि यह बहुत प्लीजेंट मीन प्लीजनेस यानी कि बहुत सुहावना, ठीक है, अत्यधिक सुहावना होता है। थिंक यूर टाइप कैन डू, बच्चे यह जो है ये सारी चीज जो है करते हैं कर सकते हैं। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, आकाश आसमान सॉरी हवा में ऊपर और ओवर द वॉल और वॉल के ऊपर दीवार के ऊपर टिल आई कैन सी सो वाइड, इतना मतलब आप इतना मैं जो है जा सकता हूँ। आई कैन सी सो वाइड, मैं देख सकता हूँ कि वह कितना ऊपर है चौड़ाई में, मतलब कि इधर उधर जो है इस तरह से कितनी अधिक चौड़ाई में हुआ जा सकता है या मैं देख सकता हूँ। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल्स एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, रिवर्स नदियाँ और पेड़ों एंड कैटल्स, कैटल्स में सबका होता बेटा जैसे बीट्स ऑफ पास्टर एग्जाम्पल काउसी, काउसी जो होते हैं कैटल होते हैं एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, और कंट्री साइड में कि गाँव की तरफ दे सकते हैं गाँव की तरफ, ठीक है गाँव की ओर। Till I look down and on the green garden, मैं जो है क्या जहाँ तक ले जा सकता है, I look down, मैं नीचे देख सकता हूँ on the garden green, और garden green मतलब हरा बगीचा, down on the roof so brown, और जो है नीचे आते हुए जैसे ऊपर जाते हैं ऊपर से नीचे आते हुए जो है आप ब्राउन रूफ को भी रूफ यानी छत को भी आप देख सकते हैं so brown, ठीक है, जो कि बुरे रंग का है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर अब जो है फिर एक बार फिर जो है एक बार दोबारा आई गो फ्लाइंग, मैं जो है हवा में ऊपर की ओर उड़ रहा हूँ, उड़ने जा रहा हूँ अप इन द एयर एंड डाउन, और ऊपर से फिर नीचे की तरफ झूल रहा हूँ जा रहा हूँ, ठीक है। अप इन द एयर एंड डाउन, हवा में ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये बेटा आपका द स्विंग के बारे में था पोएम पूछता है, और इसके बाद इसके बाद देखेंगे इसका इस चैप्टर का टेक द गाइड एंड प्ले, ये है आपका टेक द गाइड एंड प्ले। सी ओड वाला आंसर सही उत्तर पर जो है सही का चिन्ह लगा रहा है। फर्स्ट आपका द पोएट थिंक्स दैट, द पोएट थिंक्स दैट गोइंग अप going up fill the blank is the nicest thing, is the is the yeah
पोएट थिंक्स दैट गोइंग अप, यानी कि जो कवि है, पोएट है जो, वह क्या कहता है, सोचता है, थिंक्स सोचता है दैट गोइंग अप की हम जो है कहा जा रहे हैं इन द नाइटियल थिंग, जब हम झूले पर थिंक पर जो है झूलते हैं और गोइंग अप कहाँ इन द एयर, मतलब इन द एयर इन द नाइटियल थिंग, वह जो है जब हवा पर हवा में ऊपर की तरफ जाते हैं झूलते हैं तो यह जो है सबसे अच्छी चीजें होती है, यह सबसे अच्छी होती है, यह बहुत अच्छा लगता है सभी को, ठीक है। कोई सोचता है कि जब हम ऊपर की तरफ गोइंग अप इन द एयर विद एन आइटम थिंग, जब ऊपर की तरफ जाते हैं हवा में तो बहुत अच्छा, सबसे अच्छी चीजें जो है होती है। तो कर दिया आपने एक एक्सरसाइज, be in the air, see into the tree, into the tree, ठीक है बेटा। यह दिया था पोएट थिंग दैट गोइंग अप इन द ब्लैंक इज द नाइटेस्ट थिंग, तो इसमें आप क्या करेंगे, ए आपका क्या कंट्रीसाइड का जो काम जो है इन द एयर हवा में एंड इन द ट्री पेड़ पर, ठीक है। तो याद रखा आ जाएगा द पोएट थिंग्स दैट गोइंग अप इन द एयर इज एन आइडियल थिंग, गोइंग अप इन द एयर आप सब भी विचार का करेंगे, तो यहां पर कर देंगे इन द एयर स्विंग गोज ऑफ इन द एयर, द स्विंग गोज ऑफ इन द एयर the swing goes up in the air and often a water bath often be over the ocean एंड आप सुन लीजिए बेटा आपका ओवर द रिवर कंट्रीज ओवर द रिवर झूले जो है झूला जो है हवा में ऊपर की तरफ जाता है और कहा जाता है ओवर द वॉल ओवर द ओशन ओवर द रिवर्स एंड ट्रीज का ओवर द वॉल क्या होगा ओवर द वॉल द स्विंग गोज ऑफ द स्विंग गोज ऑफ इन द एयर एंड ओवर द वॉल क्या होगा ऑप्शन ए ओवर द वॉल ठीक है बच्चों द स्विंग गोज ऑफ इन द एयर ओवर द वॉल इसके बाद लास्ट का फल है द कलर ऑफ द रूपी
कलर ऑफ द रूफ इज, यानी जो छत का कलर है कौन सा कलर है, ठीक है, छत का रंग क्या है, कौन सा है, द कलर ऑफ द रूफ इज, ऑप्शन ए रेड। ऑप्शन बी दिया है ब्राउन। ऑप्शन सी है बना आपका ब्लू। ठीक है ऑप्शन सी इज ब्लू। फर्स्ट आपका ध्यान है करा है तो कलर ऑफ द रूफ इज, छत का रंग क्या है, कैसा है, तो आपका ऑप्शन क्या है, ए रेड, बी ब्राउन, सी ब्लू, लाल, भूरा और नीला, तीनों से क्या होता है आपका ब्राउन। कोई पड़े हैं डाउन द रूफ सो ब्राउन, सो ब्राउन भूरे द कलर ऑफ द रूफ ब्राउन। ठीक है इस तरह से जो है आप ठीक जगह सेंटर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर दिया है कंप्लीट सेंटेंस है विद द फॉलोइंग पार्ट। यह बेटा आपका बी, कंप्लीट द सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड, विद द फॉलोइंग वर्ड। आपको जो है सेंटेंस को वाक्य को आपको पूरा करना है विद द फॉलोइंग वर्ड, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से आपको वाक्यों को सेंटेंस को जो है कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो यहाँ से आपका कुछ सेंटेंस सॉरी कुछ वर्ड दिए गए हैं, आप इसको लिख दीजिए। ठीक बेटा कंट्री साइड वाला आपका है, कंट्री साइड नेक्स्ट आपका है आपको इसी वर्ड की डाटा से आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है बच्चों। पहला आपका टॉप इन द, अप इन द बैग एंड ओवर द वॉल, अप इन द ब्लैंक, तो यहाँ जो है पोयम में आपका दिया है एक पोयम का एक स्टेंजा है, इसमें आपका सेकेंड स्टेंजा रखेंगे यहाँ पर अप इन द एयर एंड अप इन द एयर, क्या भरेंगे बेटा एयर भरेंगे,
एयर फिल करेंगे अप इन द एयर एंड ओवर द बार, अप इन द एयर, यहाँ से क्या वर्ड लेंगे एयर, और एयर लेंगे हम एयर, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, ठीक है, ये हो जाएगा बात ठीक है। उसके बाद अगला था टिल आई कैन सी, टिल आई कैन सी सो, यहां पर देखो कॉमा टिल आई कैन सी सो, इसमें देखेंगे पोएम का टिल आई कैन सी सो के बाद आपको क्या है वाइड, सो के बाद क्या आपका वाइड, यहां पर क्या भरेंगे वाइड, ठीक है, टिल आई कैन सी, टिल आई कैन सी सो यहां पर हो जाएगा वाइड। आपको पोयम में ये सारी चीजें आप देख करके इसको फिल कर सकते हैं, पोयम का एक जो स्टेंजा दिया हुआ है उसको इस तरह से आप फिल करेंगे। और नेक्स्ट आपका रिवर्स एंट्री, रिवर्स एंट्री है in the blank, rivers and trees and in the blank and are and are there are rivers and trees and in the blank and are, तो यहाँ पर देखेंगे इसके बाद next line जो आता है rivers and trees and, rivers and trees and कैटल सी ए डबल टी एल, कैटल मीन सकता है बीट्स ऑफ पास्चर, एग्जाम्पल काउस सी एक्सेट्रा, ठीक है काउस सी एक्सेट्रा, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर क्या आपका कैटल है, पोएम से आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कैटल, रिवर्स एंड ट्री एंड कैटल एंड आर, कैटल सी ए डबल टी एल, सी ए डबल टी एल कैंसिल हो जाएगा। एंड लास्ट आपका है ओवर द, ओवर द ब्लैंक, इन द ब्लैंक से ओवर द इन द ब्लैंक, तो फिर यहां से देखेंगे आपका जो है रेस इक्वल एयर, एयर वाई एंड कैटल, एयर वाई एंड कैटल, ये आपके पास फिल कर दिया गया है। आप इसको लास्ट बन सकता है कंट्री साइड, कंट्री साइड क्या कहा जाएगा ओवर द कंट्री साइड, ओवर द कंट्री साइड, ओवर द कंट्री साइड, सी ओरी में क्या भाई ये साइड ही ओवर द कंट्री साइड। सोचो इस तरह से जो है आप निम्नलिखित शब्दों की सहायता से इस वाक्य को पूरा करेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड, आपका कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट आपका दिया है थ्री आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसमें आपके पास थ्री क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको जो है थ्री क्वेश्चन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं हमारे ये आपको जो है होमवर्क रूप में इसको आपको कंप्लीट करना है। 5 सेकंड
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द टाइप बच्चा क्या देखता है? कब? When? जब ही of spring, जब वो झूले पर क्या करता है? झूलता है, ऊपर जाता है, झूलते हुए जो है ऊपर जाता है तो वह क्या देखता है? What do you think? What do you think this poem is about? This poem is about. What do you think? आप क्या सोचते हैं? ठीक है, आप क्या सोचते हैं? What do you think? आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? This poem. इस कविता के बारे में क्या सोचते हैं? क्या पूछना है? नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।